जानते हो मैं कौन हूँ? आपने कई बार यह वाक्य फिल्मों में और रियल लाइफ में सुना होगा कि मैं कौन हूँ। लोग अपने साम्राज्य, अपने पद, अपने बल से अपने आप का परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। सिकंदर एक बार भारत से, कहानी एक छोटी सी, सिकंदर एक बार भारत से वापस लौट रहा था तो उसकी मुलाकात एक पहुँचे हुए फकीर से होती है और वो फकीर को अपना परिचय सिकंदर के रूप में देता है, अपने साम्राज्य की गिनतियां बताता है। फकीर मुस्कुरा के पूछता है, सिकंदर किसी दिन तुम अगर मरुस्थल में फंस जाते हो, बुरी तरह फंस जाते हो, कोई रास्ता तुमको नज़र नहीं आता है, पानी की बहुत तुमको प्यास लगी हुई होती है और सामने से तुम देखते हो एक व्यक्ति एक लोटा पानी का लेके आ रहा है, तो तुम उसको कितनी कीमत दोगे? सिकंदर बोला, मैं उसको मुँह मांगी कीमत दूंगा। फकीर बोला, नहीं वो नहीं दे रहा तुमको पानी, फिर क्या करोगे? बोला, मैं आधा साम्राज्य उसको दे दूंगा। फकीर बोलता, फिर भी नहीं मान रहा, फिर क्या करोगे? सिकंदर ने बोला, मेरे जान जो है अगर सर पे आई हुई है तो मैं तो उसको मुंह मांगी कीमत, अपना पूरा साम्राज्य भी दे करके अपनी जान बचाऊंगा। फकीर खिलखिला के हंसने लगा और बोला, तुम्हारे साम्राज्य की कीमत एक लोटा पानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, यही हमारा भी हाल है। अभी कुछ समय पूर्व कोरोना बीता है, ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई, बड़े बड़े सिकंदर, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति लाइन में लगे थे ऑक्सीजन के लिए, इंजेक्शन के लिए, मिल जाने के बावजूद वो अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्रियजनों को नहीं बचा पाए। मैं अभी कहानी पढ़ रहा था, कहानी सच्चाई पढ़ रहा था, पेपर में न्यूज आई थी, हमारे शहर के बगल में एक रीवा शहर है जहाँ पे एक व्यक्ति ने अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए पूरा साम्राज्य, पूरी जितनी संपत्ति इकट्ठी की थी बेच दी, लोगों से उधार लिए, सरकार ने उसको अनुदान किया। 17 करोड़ रुपए लगाने के बाद 9 महीने किसी तरह वो सांसों को रोकता रहा, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। तो यही हमने जिस धन बल इकट्ठा किया है, जिसके दम पे हम बोलते हैं कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये कभी मत बोले, बल्कि अपने आप से पूछिए कि मैं क्या हूँ, मेरी कीमत कितनी है, मैं क्या कर सकता हूँ। परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है वह अनमोल है, लेकिन ये जो हम सामान इकट्ठे कर रहे हैं, धन बल इकट्ठा कर रहे हैं, यह तो मात्र हम इनकी सुरक्षा एक चौकीदार के रूप में करने के लिए आए हैं। कब इनका एक बीमारी आपका ये साम्राज्य खींच के चले जाएगी, कब आपको जनता पद से उतार देगी और आप नीचे आ जाएंगे, ये तो सब मिट जाने वाली चीज़ें हैं। जो अमिट चीज़ है, जो आपकी आत्मा, जो आप खुद हो, वो अमिट चीज़ है, वो कभी नहीं मिटती। उस पर गौर कीजिए कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, तब आपकी आत्मा का आनंद देखिए और अपने आप से आपकी एक मुलाकात होगी कि मैं कौन हूँ।